Hello everyone, today in SS history we will cover chapter 2 और chapter 2 में आज हम cover करेंगे part 4 and this is our last part. So यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो अपने इंडिया का हमारा इंडिया का जो मैप है तो ये फर्स्ट वन जो मैप है इट इज़ ऑफ 1797. तो यहाँ पर जो ये ब्लू कलर आप दिख रहे हो दिस आर द टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश कंपनी. और उसके बाद 1840 में आप देख सकते हो कि ये जो येलो कलर है वो थोड़ा बहुत एरिया जो ब्रिटिश कंपनी ने कुछ एक्वायर किया हुआ था. एंड लास्टली इन 1857 ऑलमोस्ट 60-80% जो पूरा टेरिटरीज है इंडिया का वो सब ब्रिटिश कंपनी ने एक्वायर कर लिया था. मिनिमम 60-80% पूरा एरिया कवर हो गया था. सो दिस इज़ हाउ द एक्सपांसन ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल पावर इन इंडिया हैपेंड. नेक्स्ट वी विल सी सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. सो जो नए एडमिनिस्ट्रेशन जो बिल्टअप हुए वो कैसे हुए उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे. वॉरेन हेस्टिंग जो एक गवर्नर जनरल था 1773 से लेकर 1785 तक एंड ही प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपांसन ऑफ कंपनी पावर. और जिसने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था कंपनी के पावर को एक्सपांड करना. एंड बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल. और उसके टाइम में और जब वो गवर्नर जनरल था उसके टाइम में कंपनी ने ना कि बंगाल पे अपना पावर जमाया, बंगाल के अलावा बॉम्बे और मद्रास में भी उन्होंने अपना पावर जमा लिया था. ब्रिटिश टेरिटरीज वे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉल्ड प्रेसिडेंसीज. अब जैसे कि अभी हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है वहाँ पर अलग अलग स्टेट्स है. सो पहले क्या था जो स्टेट्स होते थे उनको ये लोग ब्रिटिशर्स प्रेसिडेंसीज कहते थे. तो अपने जो टेरिटरीज होते उसको बांट देते थे वो लोग और वो लोग उससे नाम देते थे प्रेसिडेंसीज. सो देयर वेर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. सो बाय दैट टाइम ओनली 3 प्रेसिडेंसीज वेयर देयर, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. एंड ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर. और उनको जो रूल करता था ये तीनों तीन प्रेसिडेंसीज को वो मतलब गवर्नर होता था रूल करने वाला. और उनके ऊपर भी एक सुप्रीम हेड होता था जो एडमिन करता था ये सबको. उनको कहा जाता था गवर्नर जनरल. एंड वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल. और उस टाइम पे सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल. इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. और उसने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो थे वो मतलब कई सारे उसमें बदलाव ला दिए. एंड नोटेबली इन द स्पीयर्स ऑफ जस्टिस. और जो लॉज वगैरह थे उसमें भी कई सारे चेंजेस ला दिए थे वॉरेन हेस्टिंग्स ने. फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टैब्लिश्ड. और 1772 में एक नई जस्टिस एस्टैब्लिश की गई जहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स बनाई गई. एक थी क्रिमिनल कोर्ट जिसे हम फौजदारी कोर्ट भी कहते हैं एंड सेकेंड वॉज सिविल कोर्ट जिसे दीवानी अदालत भी कहते हैं. सो जो क्रिमिनल कोर्ट थी वहाँ पर किसी ने अगर क्राइम किया है तो उसका केस जाता क्रिमिनल कोर्ट में. और अगर कोई फैमिली कोई प्रॉब्लम है, किसी ने चोरी की हुई है, वो सब केस जाते सिविल कोर्ट में मतलब दीवानी अदालत में. मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स. तो उस टाइम जो मौलवीज और हिंदू पंडित्स थे उन्होंने भी मतलब अपने अपने लॉज बना के जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उसको मतलब दे दिए. द क्रिमिनल कोर्ट्स वेयर स्टिल अंडर काजी एंड मुफ्ती. और जो क्रिमिनल कोर्ट थी वो मतलब काजी और मुफ्ती के अंडर थी बट द सुपर अंडर द सुपरविज़न ऑफ कलेक्टर. लेकिन वो कलेक्टर के सुपरविज़न के अंडर थी. तो ये काजी कौन है और मुफ्ती कौन है? तो काजी जो है वो एक जज होता था एंड मुफ्ती है ही इज़ अ जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. तो मुफ्ती मतलब एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक जुरिस्ट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सपाउंडिंग द लॉ, मतलब लॉ को कैसे फॉलो हो रहा है. एंड दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर. और काजी जो है वो उसको एडमिनिस्टर करता. तो ये काम होते काजी और मुफ्ती के. एंड हाँ, द ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग पेंटेड बाय आर जी पोलार्ड 1789. तो वॉरेन हेस्टिंग को भी मतलब एक बार उसके ऊपर केस चलाया गया था. ये पिक्चर उसी की है जो 1789 में बनाई गई थी और ये पेंटिंग बनाई थी आर जी पोलार्ड ने. सो व्हेन वॉरेन हेस्टिंग वेंट बैक टू इंग्लैंड इन 1785. सो वॉरेन हेस्टिंग जब इंग्लैंड गए 1785 में
एडमंड बर्ग एक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसगवर्नमेंट ऑफ बंगाल। तो उनको मतलब एक्यूज्ड किया गया, उनको गुनहगार ठहराया गया क्योंकि उन्होंने जो बंगाल में है वो पूरी मिस गवर्नमेंट बना दी थी, उनका जो मैनेजमेंट था वहाँ पर ठीक तरह से चल नहीं रहा था, तो उनको मतलब गुनहगार ठहराया गया। एंड दिस लेड टू एन इम्पीचमेंट प्रोसेसिंग इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट लास्टेड 7 ईयर्स। तो उसके लिए उनको इम्पीचमेंट किया गया। इम्पीचमेंट मतलब क्या होता है, किसी को अपनी पोस्ट से हटा देना। तो वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल की पोस्ट से उस टाइम हटा दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से। मेजर प्रॉब्लम वॉज दैट द ब्राह्मण पंडित्स गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल ऑफ द धर्मशास्त्र। उस टाइम पे जो मेजर प्रॉब्लम क्या थी कि जो ब्राह्मण पंडित थे वो मतलब अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते थे अपने लॉज के बारे में, ठीक है, जो अपने धर्मशास्त्र में होते हैं उसके बारे में। सो टू ब्रिंग आउट यूनिफॉर्मिटी, मतलब कुछ यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, इन 1775 तो 1775 में 11 पंडितों को बुलाया गया वहाँ पर, एंड दे वेर आस्ट टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। तो उनको कहा गया कि आप जो 11 पंडित हैं वो एक पूरे लॉज बनाए हिंदू के, ठीक है, एंड एन बी हॉलहेड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। तो एक वहाँ पर एन बी हॉलहेड था जिसने वो पूरे लॉज को इंग्लिश में फिर ट्रांसलेट किया एक डाइजेस्ट मतलब बुक के रूप में। एंड बाई 1778 कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ यूरोपियन जजेस। एंड 1778 में मतलब जो हिंदू लॉज बना उसके 3 साल बाद 1778 में मुस्लिम लॉ भी बनाया गया, मुस्लिम लॉ भी कंपाइल्ड हुआ मतलब यूरोपियन जो जजेस थे उनके बेनिफिट के लिए। एंड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट, अब ये इम्पोर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये याद रखना, न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड। एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील द सदर निजामत अदालत वॉज ऑल्सो सेटअप एट कलकत्ता। तो बाई दैट टाइम वन सुप्रीम कोर्ट वॉज ऑल्सो एस्टैब्लिश और एक थी सदर निजामत अदालत, ये भी एस्टैब्लिश की गई कलकत्ता में। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। तो इंडिया में मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट होता वहाँ पर अगर कोई मेन इंपॉर्टेंट पर्सन होता तो वो था कलेक्टर। As the title suggests, his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darogas. तो उस टाइम पे जो कलेक्टर होता उसका काम क्या था मेन, तो कि भाई रेवेन्यू कलेक्ट करना, जो टैक्सेस वगैरह होता है वो कलेक्ट करना, और लॉ को मेंटेन करना, जो लॉ कायदा होता है उसको मेंटेन करना, एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट। और वो मतलब कोई जजेस की हेल्प लेता, पुलिस ऑफिसर्स, कोई दरोगाज होते वो सबकी हेल्प लेके ये सब मेंटेन करता। हिज ऑफिस द कलेक्टोरेट, और इसकी कलेक्टर की ऑफिस को हम कलेक्टोरेट कहते थे। एंड बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पेट्रोग्नेक दैट स्टेडीली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। और उसकी ऑफिस जो थी वो मतलब एक पावरफुल ऑफिस उस टाइम गिनी जाती थी। देन वी हैव द कंपनी आर्मी। कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो मतलब जो भी कॉलोनियल रूल थे यहाँ पर इंडिया में, उनकी जो ताकत थी वो थी मिलिट्री की, वो थी मिलिट्री की ताकत। एंड द मुगल्स आर्मी वॉज मेनली कम्पोज ऑफ कैवेलरी, मतलब सवारी, ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्सबैक एंड इन्फेंट्री दैट इज पैदल फुट सोल्जर्स। तो उस टाइम पर जो मुगल आर्मीज थे वॉज मेनली कम्पोज, तो मुगल आर्मी के पास दो टाइप्स के सोल्जर्स होते थे। फर्स्ट वॉज कैवेलरी, मतलब जो घुड़सवारी करते हो ऐसे सोल्जर्स थे, और दूसरे सोल्जर्स थे इन्फेंट्री, जो पैदल चलते हो। सो ये याद रखना, कैवेलरीज मतलब जो घुड़सवारी करते थे वो सोल्जर्स, एंड दूसरे थे इन्फेंट्री सोल्जर्स जो पैदल चलते थे वो वाले सोल्जर्स। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी एंड द यूज़ ऑफ द स्वॉर्ड। और वो सोल्जर्स को मतलब बाई दैट टाइम दे वर गिवन ट्रेनिंग ऑफ आर्चरी, तीरंदाजी की ट्रेनिंग उनको दी जाती, तलवारबाजी भी उनको सिखाई जाती थी। द कैवेलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री। तो जो मतलब जो सवारी होते थे, जो कैवेलरी होते थे, दे डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड ऑफ अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री। तो उस टाइम पे मतलब कैवेलरीज मतलब जो भी घुड़सवारी के सोल्जर्स होते थे उनकी बहुत ही डिमांड थी, और जो इन्फेंट्रीज होते थे, जो चलने वाले सोल्जर्स होते थे, उनकी डिमांड बहुत ही कम थी। द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स
एंड द लोकल जमींदार ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद द पैदल सोल्जर्स। और जो उस टाइम पे जो रूरल एरियाज होते थे वहाँ पर क्या होता कि लार्ज नंबर ऑफ आम पीजेंट्स एंड लोकल जमींदार ऑफन सप्लाइड द मुगल्स। वहाँ पर मतलब जो भी किसान वगैरह होते थे उनको मतलब सोल्जर्स में सप्लाइड किया जाता था, वो भी पैदल सोल्जर्स में। अ चेंज अकर्ड इन द 18th सेंचुरी व्हेन मुगल सक्सेसर स्टेट्स लाइक अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स इनटू देयर आर्मीज। और 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो मुगल सक्सेसर्स थे जैसे कि अवध और बनारस, उन्होंने क्या किया कि जो भी पीजेंट्स मतलब जो भी किसान थे उनको आर्मी में रिक्रूट करने लगे वो लोग इन देयर आर्मी, और उनको एक प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाए गए, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी वही सेम मेथड अपनाई अवध और बनारस की तरह। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी। सो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी वही मेथड अपनाई विच केम टू बी नोन एज द सिपाही आर्मी, और उनको सिपाही आर्मी कहा गया फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही, जिसका इंडियन वर्ड होता है सिपाही मीनिंग सोल्जर्स, जिसका मतलब होता है सोल्जर्स। एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820s द कैवेलरी रिक्रूटमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड। और 1820 में वॉर में कुछ वॉरफेयर चेंज आए, बहुत सारे चेंजेस आ गए टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो उस टाइम पे जो कैवेलरी रिक्वायरमेंट्स थी मतलब जो भी घुड़सवारी के सोल्जर्स थे उनको मतलब आर्मी ने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, और उसका रीज़न ये था कि 1820s में कई सारे मतलब मशीन गन्स है, बंदूक है, वो सबका यूज़ होने लगा। तो उसी की वजह से जो कैवेलरी सोल्जर्स थे उनकी थोड़ी उनको मतलब डिक्लाइन कर दिया गया, और जो इन्फेंट्री सोल्जर्स थे जो चलने वाले सोल्जर्स थे उस टाइम पे उनकी डिमांड बढ़ गई थी वापस। सॉरी, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वेयर सोल्जर्स वेर आर्म्ड विथ मस्केट्स एंड मैच लॉक्स। तो उस टाइम पे ब्रिटिश का वॉर चल रहा था बर्मा अफगानिस्तान और इजिप्ट में, वेयर सोल्जर्स वेर आर्म्ड, मतलब उस टाइम पे सोल्जर्स को मस्केट और मैच लॉक्स दिए गए थे। मस्केट का मतलब होता है एक हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स, मतलब एक बड़ी सी गन होती है मस्केट, मतलब जो इन्फेंट्री सोल्जर्स यूज़ करते हैं, इन्फेंट्री मतलब चलने वाले सोल्जर्स। एंड मैच लॉक्स का मतलब होता है एन अर्ली टाइप ऑफ गन, मतलब बहुत पहले की गन इन विच द पाउडर गैस इग्नाइटेड, जहाँ पर पाउडर गैस को इग्नाइट मतलब जलाया जाता है बाय अ मैच स्टिक से जलाया जाता है, उसको कहते हैं मैच लॉक्स। द सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस विथ चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। और जैसे मैंने कहा कि 1820s आते आते जो कैवेलरी सोल्जर्स थे उनकी रिक्वायरमेंट कम होती गई, उनको डिक्लाइन करते गए ये लोग, और जो भी इन्फेंट्री सोल्जर्स थे, जो भी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स थे, उनकी डिमांड बढ़ती गई एंड दे बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक कल्चर। और 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर ने क्या किया कि जो भी सोल्जर्स होते उनका एक यूनिफॉर्म बना दिया, ठीक है। तो मतलब हर एक सोल्जर्स के अपने यूनिफॉर्म होते थे, उनको एक पूरा यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर दिया गया। सोल्जर्स वेयर इंक्रीजिंग सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, और हर एक सोल्जर्स को एक यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग देते जाते थे वो लोग। ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर, और उनको मतलब ड्रिल किया जाता, उनको डिसिप्लिन कैसे रेगुलेट करनी है वो सब उनको सिखाया जाता था। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वेर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। और उस टाइम जो ये हमारे जो लोग थे इंडिया के लोग वो मतलब कम्युनिस्ट नहीं ये सब में ज़्यादा बिलीव करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ये लोग सब नहीं मानते थे कम्युनिस्ट नहीं ये सब कास्ट वगैरह को। सो मतलब हमारे लोगों को भी थोड़ा मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था उस टाइम पे। कुड इंडिविजुअल सो इजीली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग्स, मतलब क्या कोई एक इंडिविजुअल अपने धर्म और रिलीजन को मतलब भूल जाता है सोल्जर्स में जाके। कुड दे सी देमसेल्व्स ओनली एज सोल्जर्स एंड नॉट एज मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट, मतलब क्या वो सोल्जर्स में जाके मतलब सोल्जरी में जाके क्या वो सिर्फ सोल्जर्स ही कहलाता है, मतलब क्या वो उसके बाद कोई घर का मेंबर या कोई कम्युनिस्ट नहीं कहलाता। तो ये सारे क्वेश्चन सब अराइज हो रहे थे। व्हाट डिड द सिपाहीज फील, मतलब सिपाही क्या फील कर रहा है। हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंज इन देयर लाइव्स एंड देयर आइडेंटिटी, दैट इज देयर सेंस ऑफ हु दे वेयर।
मतलब ये अपने आप को मतलब देख रहे थे कि हाउ डिड दे रिएक्ट, मतलब वो कैसे रिएक्ट करते हैं कोई भी अगर चेंज आता है उनके जीवन में, उनकी आइडेंटिटी पे। तो ये सब था द रिवॉल्ट ऑफ 1857 गिव्स अस अ ग्लिम्स इनटू द वर्ल्ड्स ऑफ द सिपाहीज। तो 1857 में एक रिवॉल्ट होता है जिसके बारे में हम अभी आगे ये फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, यही हिस्ट्री में। यू विल रीड अबाउट द रिवॉल्ट इन चैप्टर 5। और उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा कंक्लूजन। तो मतलब कंक्लूजन हमें क्या मिलता है कि दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मतलब ट्रेडिंग कंपनी से एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन गई थी। उन्होंने पूरा एरिया मतलब अपने इंडिया का पूरा कवर कर लिया था ऑलमोस्ट। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th century ऑल्सो एडेड दिस प्रोसेस। और उसके बाद 1820 में जो एक नई टेक्नोलॉजी आई थी उसमें भी उनको जो ब्रिटिशर से उनको बहुत हेल्प मिली उनकी प्रोसेस में। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रैवल टू इंडिया बाई सी। और पहले ऐसा था कि अगर आपको बाई सी रूट इंग्लैंड से इंडिया आना है इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 to 8 months। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये थोड़ी टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो उनके लिए ये और भी आसान हो गया। स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks। और जो स्टीम शिप थी वो मतलब उनका जो जर्नी टाइम था वो उसका उसकी वजह से थोड़ा कम हो गया, जो ऑलमोस्ट 3 week लेता था इंग्लैंड से इंडिया आने में। मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिली टू कम टू अ फार कंट्री लाइक इंडिया। और कई ब्रिटिशर्स और उनकी फैमिली भी इंडिया आते थे। एंड बाई 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जैसे मैंने बोला कि 1857 आते आते इंडिया का ऑलमोस्ट 60% पार्ट ब्रिटिश ने अपनी टेरिटरी में ले लिया था और 78% पॉपुलेशन वॉज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। कंबाइंड विथ इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। और बाकी की जो टेरिटरीज थी वहाँ पर तो राजा तो थे ही, मोनार्की तो चल रही थी, लेकिन उनके ऊपर भी पावर किसका चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था। तो वैसे भी अगर देखने जाए तो भले वहाँ पर राजा जो है वो रूल कर रहा है लेकिन उनके ऊपर भी अथॉरिटी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ही है, मतलब वो भी मतलब उनके कंट्रोल में ही गिना जाता था। एंड लास्ट एल्सवेयर हम देख लेते हैं स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका। स्लेव मतलब आप कह लो नौकर एक तरह का, ठीक है। वहाँ पर एक ट्रेड चलता था साउथ अफ्रीका में। द डच ट्रेडिंग शिप रीच्ड सदर्न अफ्रीका इन द 17th century। डच मतलब एक नेदरलैंड में है ये डच। वहाँ पर एक ट्रेडिंग शिप रीच साउथर्न अफ्रीका वहाँ पर एक ट्रेडिंग शिप जो है वो साउथर्न अफ्रीका पहुँची 17th century में। सून अ स्लेव ट्रेड बिगेन। तो मतलब वहाँ पर एक स्लेव ट्रेड लोगों को बेचने का काम वहाँ पर चल रहा था। पीपल वेयर कैप्चर्ड चेन एंड सोल्ड इन स्लेव मार्केट। तो वहाँ पर मतलब लोगों को कैप्चर्ड मतलब उनको पकड़ा जाता था और उनको वहाँ पर सोल्ड किया जाता था, स्लेव मार्केट में बेचा जाता था। वैन स्लेवरी एंडेड इन 1834। और ये स्लेवरी एंडेड होते होते बहुत तकलीफें हुई थी और बहुत मुश्किल के साथ ये स्लेवरी जो है वो एंड की गई थी 1834 में। एंड देयर वेयर 36,774 प्राइवेटली ओन्ड स्लेव एट द केप लोकेटेड एट द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका। और मतलब 36,774 प्राइवेटली ओन्ड स्लेव्स थे केप में जो साउदर्न अफ्रीका में है। अ विजिटर टू द केप इन 1824 हैज़ लेफ्ट अ मूविंग अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ एट अ स्लेव ऑक्शन। तो वहाँ पर एक विजिटर था जो केप गया था 1824 में, तो उसने वहाँ पर देखा कि जो लोग हैं उनको वहाँ पर मार्केट में मतलब बेचा जा रहा है। तो उसने जो मतलब वहाँ पर मार्केट में देखा तो उसने वहाँ पर कुछ देख के जो नीचे कुछ लिखा हुआ है उनके बारे में तो मैं पढ़ रहा हूँ। हैविंग लर्न दैट देयर वॉज टू बी सेल ऑफ कैटल फार्म स्टॉक एक्सेट्रा बाई ऑक्शन। तो वो कह रहा है कि उसने वहाँ पर देखा तो उसको लगा कि वहाँ पर शायद गाय या भैंसों का कहीं मार्केट चल रहा होगा या तो शायद उनका कहीं ऑक्शन चल रहा होगा। वी हॉल्टेड अवर वैगन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोकरिंग फ्रेश ऑक्शन। तो वो कहता है कि हमने वहाँ पर हमारी कार को पार्क किया और एक पर्पज़ की वजह से, क्योंकि हमें वहाँ पर एक फ्रेश ऑक्शन खरीदना था। एंड अमंग द स्टॉक वॉज अ फीमेल स्लेव एंड हर 3 children। तो उसने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक फीमेल थी, एक औरत थी और उसके 3 बच्चे थे।
द फार्मर्स एग्जामिन देम, और जो फार्मर है वो सब उसको एग्जामिन कर रहे थे, देख रहे थे, एज इफ दे हैड बीन सो मेनी हेड ऑफ कैटल। और वहाँ पर मतलब जो भी देखो तो हर एक चेहरा मतलब एक कैटल की तरह था। दे वेयर सोल्ड सेपरेटली एंड टू डिफरेंट परचेसेस। तो जो मतलब औरत थी और उसके जो तीन बच्चे थे उसको मतलब अलग अलग लोगों को बेचा गया था। मतलब औरत जो है वो किसी एक को बेच दी, उसके जो तीन बच्चे थे वो भी अलग अलग लोगों को बेच दिया गया। दे आर सोल्ड सेपरेटली एंड टू द डिफरेंट परचेसेस। द टीयर्स, द एंगजाइटी एंड द एंग्विज ऑफ द मदर्स विल सी कास्ट हर ट्रेंडिंग लुक अपॉन हर चिल्ड्रन। और वहाँ पर कोई भी मतलब किसी की रोने धोने की मतलब आवाज़ नहीं देख रहा था, किसी को कितना दुख हो रहा है वो भी कोई नहीं देख रहा था। एंड लुकिंग अपॉन हर चिल्ड्रन एंड द सिंप्लिसिटी एंड द टचिंग सोर ऑफ द पुअर यंग वंस वाइल दे क्लंग ऑफ टू देयर डिस्ट्रैक्टेड पेरेंट। और इसी तरह मतलब बच्चों को अपनी माँ से वहाँ पर अलग कर दिया जाता था। कॉन्ट्रास्टेड विद द मार्क्ड इंटेंसिविटी एंड जुगुलर कंटेंसेस ऑफ द स्पेक्टेटर्स। मतलब इसी तरह वहाँ पर ये लोग जो थे वो स्लेव अफ्रीका में पूरी स्लेव ट्रेड वहाँ पर चलाते थे ये लोग। सो दैट्स ऑल, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। होप यू एन्जॉयड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।